रश्मी बाई हूँ झांसी की रानी, झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। नमस्कार, मैं साहिबा बानो बुंदेलखंड न्यूज 24 की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि हमारी बुंदेलखंड न्यूज 24 की टीम आज किले के दौरे पर आई हुई है और हमारी बुंदेलखंड न्यूज 24 की टीम में सभी लोग ब्रजेश परिहार, नीरज भटनागर, जानवी और मैं साहिबा बानो यहां पर उपस्थित हुए हैं। चलिए आपको किले की कुछ ऐसी बातों के बारे में बताते हैं जिससे शायद आज तक आप अवगत नहीं होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बगल में बनी हुई घंटी जैसी आकृति को दबाएं जिससे आप हमारा हर वीडियो सबसे जल्दी देख पाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। जैसा कि आप सभी मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, हम आ पहुंचे हैं महारानी लक्ष्मीबाई के किले यानी झांसी के किले पर। झांसी की रानी के ऐतिहासिक किले के नाम से पूरे दुनिया में मशहूर है। चलिए बढ़ते हैं, आपको अवगत कराते हैं कि किले में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिन्हें अवगत नहीं होंगे। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि झांसी का किला बाहर से देखने में कितना सुंदर प्रतीत होता है और इसकी ऊंचाई आप हमारे कैमरे में देखकर अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि ये कितनी ऊंचा बना हुआ है। झांसी के किले जाने का मुख्य द्वार हमारे कैमरे पर साफ नजर आ रहा है। झांसी के किले की प्रसिद्धि इतनी होने के कारण आज भी यहाँ पर्यटक तथा टूरिस्ट लोग आज भी बड़ी संख्या में आकर झांसी के किले को घूमते हैं। हमारे कैमरे में आप देख पा रहे होंगे झांसी के किले से झांसी सिटी का पूरा व्यू किस प्रकार से नजर आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम झांसी के किले के मेन गेट पर आ चुके हैं। चलिए अब आपको गेट के अंदर ले चलते हैं और पूरे दृश्यों से अवगत कराते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम झांसी के किले के मेन गेट पर आ चुके हैं और यहाँ पर जो गार्ड खड़े हुए हैं हम उनसे अब जानेंगे कि वो कब से यहाँ पर हैं। जी, आपका नाम? हमारा सर लल्लू यादव। तो आप यहाँ पर सर एंट्री कर दीजिए सर। कितने टाइम से काम कर रहे हैं यहाँ पर? 3 साल हो गए। कितने साल? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। अच्छा, तो आपने यहाँ पर 3 सालों में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो नोटिस करी हैं, मतलब कैसी पब्लिक आती है? क्या पब्लिक आती है सर? खूब, मान लो सारी व्यवस्था अच्छे ढंग से कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं सर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने झांसी की जो फोटो है वो नक्शा लगा हुआ है। इसी क्रम में जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि तोप मौजूद है। ये तोप गुलाम गौस खान ने इस तोप का निर्माण किया था और इस तोप का नाम कड़क बिजली तोप रखा गया। सभी देख सकते हैं कि इतने समय की इतनी पुरानी तोप में अभी भी तोप का गोला फंसा हुआ है तथा ये तोप देखने में इतनी मजबूत नजर आ रही है कि उस समय इस तोप ने झांसी के किले को बचाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई होगी। आप इस तोप की बारीकियां देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तोप निर्मित की गई थी, वो काफी मजबूत नजर आ रही है। इस तोप में आप बारीकियां देख सकते हैं, रस्सीनुमा आकार की आकृतियां बनी हुई है, कई तरीके की पत्तियां बनी हुई हैं। क्रम में आगे बढ़ते हुए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे झांसी के किले में प्रवेश करने का मुख्य द्वार आपको हमारे कैमरामैन दिखा पा रहे होंगे और आपको हमारे कैमरे में नजर आ रहा होगा, ये है वो मुख्य द्वार जिसके अंदर से झांसी की रानी किले में प्रवेश करती थी। अगर आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को देश की सबसे बड़ी वीरांगना मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जो मेन गेट है किले का जहां से रानी लक्ष्मीबाई किले के अंदर प्रवेश करती थी, अब हम आपको उस गेट की ओर ले जा रहे हैं। बुंदेल राजा वीर सिंह जुदेव द्वारा 1613 ईस्वी में बंगरा नामक पहाड़ी पर निर्मित यह दुर्ग अपनी आदर्श स्थिति के कारण पूरे झांसी नगर का भव्य दृश्य प्रस्तुत करता है। परवर्ती काल में इस दुर्ग का क्रमशः बुंदेलों, मुगलों, मराठों तथा अंग्रेजों का अधिकार रहा। मराठा शासक नारूसंकर ने 1729 से 1730 में इस दुर्ग में परिवर्तन किए तथा यही परिवर्तित क्षेत्र शंकरगढ़ नाम से प्रसिद्ध हुआ। देख पा रहे होंगे कि हमारी बुंदेलखंड न्यूज 24 की टीम झांसी के किले के मुख्य द्वार पर खड़ी हुई है। झांसी का किला ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने साल 1613 में बंगरा पहाड़ी पर बनवाया था। यहाँ मराठा शासकों का शासन रहा, लेकिन आज भी यह रानी लक्ष्मीबाई किले के नाम से जाना जाता है। पिता शिवराम भाव के बाद
गंगाधर राव झांसी के राजा बने। झांसी की मुख्य द्वार, झांसी किले के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उस टाइम के बने हुए जो गेट है वो कितने मजबूत नजर आ रहे होंगे आपको। अठारह के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रानी लक्ष्मीबाई के पराजय के पश्चात यह दुर्ग अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। यह दुर्ग 15 एकड़ में फैला है, जिसमें 22 बुर्ज एवं दो तरफ रक्षा खाई है। नगर की दीवार में खंडेराव, दतिया, उन्नाव, ओरछा, बड़ा गांव, लक्ष्मी सागर, सैयर, भांडेर एवं झिरना नामक 10 द्वार थे। वीरांगना लक्ष्मीबाई एवं उनकी वीरता के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब अंग्रेजों ने झांसी एवं झांसी की रानी के किले में कब्जा करने के लिए आक्रमण किया था, तब किले की एवं झांसी की रक्षा के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों की एक सेना को इकट्ठा किया, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। गुलाम गौस खां उसी सेना में एक प्रमुख तोपची एवं कमांडर थे, जिन्होंने अंग्रेजों को किले में घुसने से रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। मोतीबाई एक वैश्या की बेटी थी और लक्ष्मीबाई के वफादार और कुशल तोपची खुदाबख्श की प्रेमिका थी। वह झांसी नरेश की नृत्यशाला में नृत्य किया करती थी तथा एक अदाकारा भी थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपको अब किले के उन खुफिया रास्तों के बारे में जानकारी देते हैं तथा आप हमारे कैमरे में देख पा रहे होंगे कि झांसी में कई ऐसे रास्ते थे जो खुफिया तरीके से बनाए गए थे उस समय। आप हमारे कैमरे में देख पा रहे होंगे अंदर बहुत अंधेरा है। यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सी रहस्यमय बातें जुड़ी हो सकती हैं। हमारे कैमरे में आप देख पा रहे होंगे कि अंधेरा अंधेरा है और उस समय ये खुफिया रास्ते इसी तरीके से निर्मित किए गए थे। आप देख पा रहे होंगे जूम करके दिखा कैमरे में कि वहां पे एक दरवाजा मौजूद है और इस कमरे से हो सकता है कई ऐसी बातें जुड़ी हो जिससे आप अवगत ना हो। और हमारी यही कोशिश है कि आपको हम झांसी के किले के उन सभी रहस्यों के बारे में अवगत कराएं जिससे आप जानते ना हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहां से इस किले में कई खुफिया रास्ते मौजूद हैं और ये बंदूक यहाँ पर उस समय जो सेना होती थी वो यहाँ पर बंदूक लगाए होती थी, तोप लगी होती थी। ये वहां पर उस टाइम के चिन्ह मौजूद हैं। अभी इनकी हालत आप देख पा रहे होंगे कि किस समय का ये किला बना हुआ है। इसकी आकृति, इसकी रूपरेखा आप सब देख पा रहे होंगे हमारे कैमरे में और किस तरीके से यहाँ पर अंधेरा मौजूद है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हम किले के अब मेन फ्रंट ऊपर की ओर जा रहे हैं और उस टाइम देखिए उस टाइम की बनी हुई सड़क है। किले की छत को इस प्रकार से निर्मित किया गया था। देख पा रहे होंगे आप राष्ट्रीय ध्वज किले पे हर 26 जनवरी 15 अगस्त को फहराया जाता है किले में, उसको आप देख पा रहे होंगे। ये किले के मेन टॉप पर मौजूद है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे किले से झांसी, जी हाँ हमारी पूरी झांसी किस तरीके से सुंदरता से प्रतीत हो रही है। किले से आप झांसी का दृश्य देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा झांसी हमारे किले से हमें नजर आ रहा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जिस तरीके की ये आकृति उस टाइम किले को बनाया गया था, यहाँ से जो सैनिक हुआ करते थे वो अपने हथियारों को यहाँ लगाए हुए रहते थे। किले की सुरक्षा के लिए बंदूक लगाई जाती थी। जैसा कि आप दिखा सकते हैं कैमरामैन हमारे आपको जूम कर दिखा पा रहे होंगे कि यहाँ से उनके हथियार लगे हुए रहते थे 24 घंटे, जिससे वे रानी राजा और झांसी की जनता की रक्षा कर सके। ये जो आप देख पा रहे होंगे पुराना जंग लग चुकी है, इसमें काफी पुराना हो चुका है। ये यहाँ पर तोप लगाई जाती थी, तोप लगी हुई होती थी। जब दुश्मन यहाँ हमारे झांसी के किले पर नजर रखते थे तो हमारे झांसी के जो वीर सैनिक हुआ करते थे वो यहाँ से तोप लगाकर दुश्मन का वीरता से सामना करते थे। जैसा कि हमारे कैमरामैन आपको कैमरे में दिखा रहे होंगे कि ये जो निशान बना हुआ है यहाँ पर उस समय तोप लगाई जाती थी
अब मैं आपको दिखाती हूँ, जैसा आप देख रहे होंगे कि इसकी आप मोटाई देख सकते हैं कि किस तरीके से उस टाइम ये इतनी मजबूती से बनाया गया हुआ होगा। अब मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर का पूरी तरीके से जंग लग चुकी है लेकिन अभी भी उसमें उतनी ही मजबूती बनी हुई है। चलिए हमारे साथ, हमारी टीम के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आपको अब दिखाना चाहती हूँ किले का एक अन्य हिस्सा। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि मैं नीचे से आपको दिखाती हुई आई थी कि आप देख पा रहे होंगे कि कड़क बिजली की जो तोप है वो रखी हुई है, हमने वहीं से एंटर लिया था। ये किले का एक अन्य हिस्सा है ऊपर का। अब आप आगे बढ़ते चलिए और मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे आप वहाँ पर देख पा रहे होंगे वो स्टैंड बना हुआ है, वो तोपों के लिए स्टैंड बनाए गए थे उस समय। ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे फिसल पट्टी के आकार का ये स्टैंड बनाया हुआ है। इतने मजबूत हुआ करते थे उस समय और आज भी उतनी ही मजबूती इनमें अभी बनी हुई है। यहाँ पर जो हमारे सैनिक हुआ करते थे वो तोप लगाकर निशाना लगाते थे। देख सकते हैं आप कितना मजबूत है ये, उखड़ नहीं रहा है इसमें अभी भी। जंग लग चुकी है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये खुल जाए लेकिन ये नहीं खुलेगा क्योंकि ये बहुत मजबूत है। इसमें अभी भी कुंडी लगी हुई है इसकी, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे हाफ खुला हुआ है, ये काफी मजबूत है। देखिए उस समय जब लड़ाई का माहौल हुआ करता था और अंग्रेज हमारे किले पर निशाना लगाए हुए थे, तब हमारे वीर सैनिकों ने यहाँ से, जी हाँ इसी जगह से, अंग्रेजों का डट कर वीरता से सामना किया था। अब देख सकते हैं पूरा पूरा दृश्य दिखा रहे होंगे हमारे कैमरामैन। कैमरे को इस तरफ लेके आइए, ये है नीचे जाने का रास्ता बना हुआ है। ऐसे किले में कई कई ऐसे रास्ते मौजूद हैं, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर कई पर्यटक लोग मौजूद हैं, आइए हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस उद्देश्य से ये हमारे झांसी के किले में घूमने के लिए आए हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम है धीरज कुमार। तो आप किस पर्पस से आए हैं यहाँ पर, आपको क्या अच्छा लगा? यहाँ पे हम घूमने के पर्पस से आए हैं और यहाँ पे जैसा कि माना जाता है कि झांसी की रानी का ये ऐतिहासिक किला है, जैसा कि हम बचपन से भी पढ़ते आए हैं। और यहाँ पे झांसी में प्राकृतिक सुंदरता है, यहाँ की हवा, शुद्ध हवा मिलती है और यहाँ पे हमको बहुत अच्छा लगा। झांसी किला में हमने एक एक जगह पे घूमा, कहाँ क्या कैसे क्या सैनिक की स्थिति रही होगी, जैसा कि आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। और ये किला ऐसा बनाया गया है कि यहाँ पे पूरी सुरक्षा की दृष्टि से और अपने आप को सुरक्षित रख सके, जो यहाँ के लोग रहते थे, झांसी की रानी रहती थी, सन लगभग वही 18वीं शताब्दी की बात है। तो आपको किला घूम के संतुष्टि मिली है कि हाँ किला बना हुआ है, उस समय का जो बना हुआ किला है? हाँ, उस समय का बना हुआ किला, वैसे भी ये हजारों साल, पता नहीं कितने साल तक रहेगा और लोग आते रहेंगे, घूमते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हम लोगों ने जो यहाँ पर घूमने आते हैं टूरिस्ट लोग, उनसे बात की है। अब आगे चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जो किले का मेन टॉप है, यहाँ सीढ़ियों से चलिए चलते हैं हम, और ये मेन टॉप है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि ये भी बहुत पुराने समय का बना हुआ है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, लेकिन आप देखिए कितने पुराने जमाने की ये बने हुए हैं, इनमें जंग लग चुकी है। अंदर का आप दृश्य कैमरा में देख पा रहे होंगे। यहाँ से आइए आप, ये जो है जहाँ से मैं आपको नीचे से ऊपर लेके आई हूँ, ये वहाँ का एरिया है। यहाँ से आप तोप देख पा रहे होंगे, ये हम मेन गेट की ऊपर है, मेन गेट के फ्रंट पर है हम। यहाँ से आप हमारी झांसी को भी देख पा रहे होंगे, झांसी का सुंदर सा प्यारा सा दृश्य देख पा रहे होंगे। यहाँ से आप हमारी झांसी के किले का अन्य दृश्य देख पा रहे होंगे। हमारे कैमरामैन थोड़ा जूम कर दिखाएंगे कि ये झांसी का ये बंजर पड़ा हुआ है, जो वो उस समय काफी अच्छा हुआ करता था। ये बंजर जंगल बन चुका है अब। इस इधर से आप मेन गेट देख पा रहे होंगे, यहाँ से ये पूरे किले का अलग अलग हिस्से बने हुए हैं। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो सामने कक्ष बना हुआ है वह उस समय राजा का मनोरंजन कक्ष हुआ करता था। यहाँ से हम मंदिर के लिए एंटर करेंगे। आप थोड़ी ही देर में हमारे कैमरे में
देखेंगे ये जो गेट बना हुआ है, ये मंदिर की गणेश मंदिर है जो यहाँ का फेमस मंदिर है, वहाँ से हम यहाँ आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको अभी तक इतने खुफिया रास्ते दिखा चुकी हूँगी मैं, और एक ये रास्ता अभी भी यहाँ पे मौजूद है, देख सकते हैं आप। नीचे जाने का रास्ता है ये, यहाँ से आप यहाँ से झांसी की रानी नीचे जाती थी, यहाँ इस किले में ऐसे कई रास्ते मौजूद है। आगे हमारे साथ आप बढ़ रहे होंगे और देख पा रहे होंगे झांसी की कई रास्ते हैं, ये ऊपर जाने के लिए ये रास्ता बना हुआ है, वो भी एक रास्ता बना हुआ है, और कई तरीके के यहाँ पे कक्ष मौजूद हैं। आप देख पा रहे होंगे कई कक्ष मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन अब आज के वक्त में उन कक्षों में पूरा अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन उस समय रानी के वक्त के टाइम पे ये जो कक्ष हुआ करते थे बहुत ही सुंदर हुआ करते थे, ये उस समय बहुत ही सुंदर हुआ करते थे, लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद इस किले की जो कमरे की रंगत है वो पूरी तरीके से उड़ गई है। जैसा कि आप हमारे देख पा रहे होंगे कैमरे में, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि वहाँ पर एक गेट मौजूद है, यहाँ से कई ऐसे खुफिया रास्ते हैं जो धीरे 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 रहस्य की तरह खुलते जा रहे हैं हमारे आंखों के सामने से। आइए देख सकते हैं आप, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है और अंदर एक कक्ष भी मौजूद है। जी हाँ, आज आप हमारे झांसी के किले के रहस्यों के बारे में जाने तरफ। ये अमोट गार्डन है, अमोट बाग है, जो उस समय काफी प्रसिद्ध था और उस समय काफी इसकी रखवाली भी की जाती थी, जैसा अभी भी ये उसी तरीके से बरकरार है। इसकी सुंदरता देखिए, अभी भी उतना ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। अब चलिए आपको कालकोठरी की ओर ले चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे जो हमारे सामने जो दरवाजा मौजूद है वो कालकोठरी का दरवाजा है। जी हाँ, यहाँ पर आप आ सकते हैं और सुन सकते हैं कि कितना पुराना उस समय था ये। यहाँ पे आप आवाज सुन पा रहे होंगे, चमगादड़ों की आवाज है ये, क्योंकि काफी पुराना हो चुका है ये। कालकोठरी थी उस टाइम, जो अपराधी हुआ करते थे उन्हें इन कालकोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता था। देख पा रहे होंगे आप, बहुत ही अंदर अंधेरा मौजूद है, ये कालकोठरी है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये वो गुफा है जहाँ पर झांसी की रानी ने अपने अंतिम समय में, यहाँ से वो अपने बेटे को लेकर, दामोदर राव को लेकर यहाँ से ग्वालियर गई थी। आइए आपको नीचे से चलकर दिखाते हैं इसका दृश्य। ये गुफा अब इस समय बंद कर दी गई है, आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से इसका निर्माण किया गया होगा, लेकिन अब ये बंद हो चुकी है। पहले जिस समय अंग्रेजों ने लड़ाई हुई थी रानी लक्ष्मीबाई के साथ, तो वो इसी गुफा से ग्वालियर गई हुई थी अपने बेटे दामोदर राव के साथ। अब हम पहुंच चुके हैं फांसी घर पर, जहां राजा के समय अपराधियों को फांसी दी जाती थी, परंतु रानी के आने के बाद इस फांसी घर को बंद करा दिया गया था। इसके अतिरिक्त चार खिड़कियां गणपत गिर अली गोल सूजी खां तथा सागर खिड़की बनाई गई थी। दुर्ग के भीतर स्थित बारादरी, पंचमहल, शंकरगढ़ मेमोरियल सिमेट्री, कालकोठरी, फांसी स्तंभ एवं रानी के नियमित पूजा अर्चना के केंद्र गणेश मंदिर एवं शिव मंदिर मराठा स्थापत्य कला के विशिष्ट नमूने हैं। किले को देखने के लिए उतनी ही भीड़ यहाँ पर एकत्रित होती है। मैंने अभी देखा कि यहाँ पर झांसी के किले में इतना प्राचीन किला और झांसी का इतिहास इतना प्रभावशाली होने के कारण अभी भी भीड़ उतनी ही संख्या में एकत्रित होती है और उतने ही उत्साह के साथ झांसी के किले को देखती है, क्योंकि जो झांसी का किला है उसमें कई ऐसी रहस्यमय बातें जुड़ी हुई हैं जो पब्लिक शायद अभी नहीं जानती, और उसी को जानने के लिए यहाँ पर बार बार एकत्रित होती है। शिव मंदिर है, झांसी की रानी है यहाँ पर पूजा करने आया करती थी, और लोगों की अभी भी आस्था है इस मंदिर से, इसलिए यहाँ पर अभी भी पूजा की जाती है। नारूशंकन के काल में निर्मित यह शिव मंदिर मराठा एवं बुंदेल स्थापत्य शैली के मिश्रण का सुंदर नमूना है। रानी लक्ष्मीबाई यहाँ नियमित रूप से पूजा अर्चना के लिए आती थी। आज भी यह मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मुख्य शिवलिंग ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित होकर पूजा अर्चना के लिए आते हैं।
कहाँ से आए हुए हैं? कुशीनगर जिले से। कुशीनगर से, जिले। अच्छा, आपको किसने अवगत कराया कि झांसी का किला, या आपको किसी ने सजेस्ट किया था, या आप अपने मन से आए हैं? आए हैं तो बहुत पहले से, हम लोग बचपना से हम लोग किताबों में पढ़ते आए हैं। अच्छा, वैसे मेरे एक दामाद रहते हैं रेलवे में, तालबेहट, पहले झांसी में ही थे, तालबेहट में है, तो उस पर्पज से आए थे। तो हमने सोचा कि जब वो बचपन से जो सुनते आ रहे हैं उसको तो कम से कम अपने आँखों से देखे। तो आपको कैसा लगा झांसी का किला? सुंदर, बहुत ही ऐतिहासिक चीज है, पता नहीं कब तक ये रहेगा, लेकिन बहुत ही, और ये देखने से पता चल रहा है कि झांसी की रानी जो थी, ये कितनी बारीकी सी ये किला बनवाई थी कि तोप या वो कोई बाहर आ जाए तो उसको कैसे सामना करना पड़ा, ये हम दीवालों में खिड़की से देख पा रहे हैं। तो आप खुश हो किला देखकर? बहुत ही खुश हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को बताएंगे जाके कि वहाँ झांसी का किला आगे घूमिए। जी, आपका नाम? अच्छा, आप भी इन्हीं के साथ आई हुई हैं। आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा किला आपने देखा? देखा। और जो जगह यहाँ पर मशहूर है, जैसे तोप हुई, और जहाँ पे झांसी की रानी का मंदिर बना हुआ है, वो आपने सब देखा है? सब अभी देख रहे हैं। अच्छा, देख रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर्यावरण जो है बहुत ही सुंदर है। हाँ, एरिया बहुत ज्यादा है, आबादी कम है। अच्छा, हाँ, जंगलों का आनंद लिया जा रहा है यहाँ पर। जी, टीन पर देख पा रहे होंगे, जो ये टीन डला हुआ है, ये पहले कुआं हुआ करता था, लेकिन अब इस कुएं को बंद कर दिया गया क्योंकि ये कुआं सूख चुका है पूरी तरीके से, और कोई दुर्घटना ना घटित हो जाए इस वजह से इसे टीन से पूरी तरीके से कवर कर दिया है। अब हम आ चुके हैं उस स्थल पर जिसे कुदान स्थल के नाम से, यानी जंपिंग स्पॉट के नाम से जाना जाता है। यह दो बुर्जियों के बीच स्थित वर्गाकार चबूतरा उस स्थल का प्रतीक माना जाता है, जहां से रानी अपने दंतक पुत्र दामोदर राव को लेकर अपने घोड़े के साथ 4-5 अप्रैल 1857 की रात्रि किले से बाहर निकल गई थी। प्राकृतिक ढाल के सहारे एवं अपने अदम्य साहस के बल पर रानी किले से निकलकर कालपी और वहां से ग्वालियर पहुंची, जहां दुश्मन के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। अब हम आ चुके हैं गणेश मंदिर पर, जहां रानी लक्ष्मीबाई पूजा अर्चना करने के लिए आती थी। इस मंदिर की अभी भी इतनी आस्था है कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए एकत्रित होते हैं। अब आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह है एक अन्य तोप जिसका नाम है भवानी शंकर तोप। इस तोप ने भी युद्ध के दौरान एक अहम भूमिका निभाई थी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे देश की शान, हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे झांसी के किले पर, राष्ट्रीय पर्व पर, किले के मेन टॉप पर फहराया जाता है। आज की खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम इसी प्रकार की खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बुंदेलखंड न्यूज 24। झांसी से साहिबा बानो के साथ नीरज भटनागर की खास रिपोर्ट।